दोस्तों, जब जब क्रिकेट की मशहूर किस्सों की बात होगी तब तब इसमें सचिन का नाम का जिक्र जरूर होगा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर की जिंदगी में आने वाले 36 घंटे ऐसे थे जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी नहीं पाए। इस पारी ने उनके करियर में काफी कुछ बदल कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 31 जनवरी 1991 को, जब जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम में पहली बार कोई ब्लैक अफ्रीकन खिलाड़ी को शामिल किया गया था जिसका नाम था हेनरी ओलंगा। क्योंकि इससे पहले तक जिस जिम्बाब्वे में 98.38% ब्लैक अफ्रीकन आबादी रहती थी, उस देश की क्रिकेट टीम में कोई भी ब्लैक अफ्रीकन खिलाड़ी नहीं था। उस दौर की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी ब्रिटिश ओरिजिन वाले ही हुआ करते थे। अब बात करें हेनरी ओलंगा की, तो इस खिलाड़ी का डेब्यू मैच वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान के खिलाफ था और अपना पहला ही ओवर डालते हुए इस खिलाड़ी ने विकेट भी हासिल कर लिया। लेकिन इसी मैच में कुछ ही देर बाद इस खिलाड़ी को चोट लग गई और वो कुछ दिनों के लिए क्रिकेट ग्राउंड से बाहर हो गया। ये मैच तो जिम्बाब्वे ने जीत लिया, लेकिन इस तेज गेंदबाज पर इलीगल एक्शन का सनसनीखेज आरोप लगा, जिसके बाद इस खिलाड़ी को इंटरनेशनल क्रिकेट से अगले कुछ वक्त के लिए बैन कर दिया गया। वहीं बैन होने से पहले तक इस 18 साल के तेज गेंदबाज को जिम्बाब्वे में पोस्टर बॉय के तौर पर देखा जा रहा था, जो मैल्कम मार्शल और एलन डोनाल्ड को देखकर बड़ा हुआ था और वैसी गेंदबाजी करना चाहता था। अब उसे वापस टीम में लाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि ये खिलाड़ी जल्द से जल्द अपने बॉलिंग के एक्शन को बदल दे और क्रिकेट के मैदान पर वापस लौट आए। लेकिन जिम्बाब्वे के पास उस वक्त इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इसीलिए जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड ने इस खिलाड़ी को अपने एक्शन में सुधार करने के लिए क्रिकेट खेलने वाले कई नेशन का नाम सजेस्ट किया, जहां जाकर वो अपना बॉलिंग एक्शन सुधार सकते थे। इन सभी में से ओलंगा ने भारत में मौजूद चेन्नई के MRF पेस फाउंडेशन को चुना, जो गेंदबाजों के स्किल्स को सुधारने के लिए आज भी जाना जाता है, जहां उस वक्त ऑस्ट्रेलियन लेजेंड डेनिस लिली कोचिंग दिया करते थे। इस खिलाड़ी ने यहां अपनी गेंदबाजी को सुधारने के लिए 2 या 4 महीने नहीं बल्कि 1 साल का समय बताया। इस दौरान भारत में ओलंगा ने हर मैच पर सुनी एक ही आवाज, सचिन सचिन। साल 1994-95 की बात की जाए तो ये वो दौर था जब टेस्ट में सचिन ने तकरीबन 80 की औसत से 1340 रन बनाए थे, तो वहीं वन डे की बात की जाए तो इसमें वो एक साल में 43 की औसत से करीब 1090 रन बना चुके थे। वहीं हेनरी ओलंगा की बात की जाए तो एक्शन सुधारने के बाद उनका जिम्बाब्वे की टीम में एक बार फिर से सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब भी इस खिलाड़ी के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाला वो एक्सपीरियंस गायब था। क्योंकि क्रिकेट में सिर्फ पेस से काम नहीं चलता, बल्कि अगर किसी गेंदबाज की लाइन लेंथ सही है तभी उसे विकेट मिल सकता है। नहीं तो उस दौर में सचिन और लारा जैसा कोई बेहतरीन बल्लेबाज था जो दुनिया के किसी भी गेंदबाज को धूल चटा सकते थे। साल 1998 में जब भारत की टीम जिम्बाब्वे दौरे पर क्रिकेट खेलने पहुंची, क्योंकि सचिन का क्रिकेट में अच्छा खासा दबदबा था, इसलिए तकरीबन हर बॉलर इस खिलाड़ी का विकेट हासिल करना चाहता था। इस दशक में मास्टर ब्लास्टर का विकेट लेने का मतलब होता था कि दूसरी टीम तब मैच जीतने के बारे में सोच सकती थी, क्योंकि सीरीज से पहले सचिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 शतक और एक के बाद एक होने वाले 3 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में 3-3 शतक लगा चुके थे, इसीलिए ओलंगा से उनका एक अच्छा खासा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में सचिन और टीम इंडिया के ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस की वजह से टीम ने आसानी से जीत हासिल कर ली और अब बारी थी टेस्ट सीरीज की। हालांकि वनडे सीरीज में ओलंगा चोट के चलते खेल नहीं पाए थे, इसलिए सिलेक्टर्स ने तेज गेंदबाज को टेस्ट में एक मौका देने का फैसला किया, क्योंकि जिम्बाब्वे की पूरी बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ इस खिलाड़ी के पास ही वो पेस थी जो सचिन को मात दे सकती थी। लेकिन ओलंगा कभी तेज गेंदबाजी करते वक्त चोटिल हो जाते थे तो कभी उनकी लाइन लेंथ नजर नहीं आती थी, इसीलिए उनसे टूर्नामेंट में किसी को भी कुछ खास उम्मीद नहीं थी। भारत के खिलाफ पहली इनिंग्स में जब जिम्बाब्वे की पूरी टीम 181 रन पर 8 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी, तब मैदान में उतरे हेनरी ओलंगा, जो अगले 50 मिनट तक मैदान में डटे रहे और लोअर ऑर्डर के साथ मिलकर 33 रन की अहम पार्टनरशिप भी कर डाली। इस तरह जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 221 रन बनाए। इसके बाद जब हेनरी ओलंगा बॉलिंग करने उतरे तो उन्होंने अपनी गेंदों के साथ कैर बरपाना शुरू कर दिया। टीम इंडिया में मौजूद गांगुली, मोंगिया, सिद्धू, रॉबिन सिंह और अजहरुद्दीन जैसे दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट लेकर इस तेज गेंदबाज ने टीम इंडिया की कमर तोड़ दी और राहुल द्रविड़ के लगाए गए शतक की बदौलत टीम 280 रन बनाने में कामयाब रही।
इस टेस्ट मैच की दूसरी पारी में जिम्बाब्वे ने 293 रन बनाए और टीम इंडिया को 235 रन का आसान सा दिखने वाला लक्ष्य मिला। लेकिन इस मैच की दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 173 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह जिम्बाब्वे ने अपने क्रिकेट के इतिहास में दूसरी टेस्ट जीत दर्ज की। इस मैच के हीरो रहे हेनरी ओलंगा, जिन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। इस मैच के एक्सपीरियंस का यूज हेनरी ओलंगा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। हालांकि वो इस टेस्ट मैच में अपनी टीम को जीत तो नहीं दिला सके, लेकिन उनके फैंस को अब यह भरोसा हो चुका था कि आने वाले मैचेस में ओलंगा कोई बड़ा कमाल कर सकते हैं। फिर आया साल 1998 का फेमस कोका कोला कप, जिसमें जिम्बाब्वे के साथ। इस टूर्नामेंट में श्रीलंका और इंडिया जैसी दो चैंपियन टीम खेल रही थी। इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को एक नहीं बल्कि दो दो बार हराया, जिसकी वजह से 1996 की वर्ल्ड चैंपियन श्रीलंका इस कोका कोला कप से बाहर हो गई। वहीं फाइनल में पहुंची जिम्बाब्वे की टीम में एक बार फिर चोट के बाद ओलंगा वापसी कर रहे थे। फाइनल मैच से पहले हुए लीग मैच में जिम्बाब्वे ने सिर्फ 209 रन का स्कोर बनाया, लेकिन उस समय में 200 के ऊपर का कोई भी स्कोर कम नहीं कहा जा सकता था। जब इंडियन टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो इस पारी के दूसरे ही ओवर में ओलंगा ने पहले गांगुली और फिर द्रविड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, इसके अगले ओवर में जब ये खिलाड़ी अपना तीसरा ओवर डालने आया तो सचिन तेंदुलकर का विकेट लेकर मैदान में मौजूद सभी दर्शकों को सन्न कर दिया। लेकिन ये नो बॉल थी। ओलंगा आज ये सोचकर आए थे कि कुछ कर दिखाने का बस यही मौका है। अगली बॉल उन्होंने शॉर्ट फेंकी, जिस पर सचिन का एक और विकेट भी उनकी झोली में आ गया। लेकिन मास्टर ब्लास्टर का विकेट लेने के बाद हेनरी ओलंगा ने जोश जोश में सचिन की तरफ देखकर एक ऐसा सेलिब्रेशन किया जो मास्टर ब्लास्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन के गुस्से का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूं तो अभी इस टूर्नामेंट के फाइनल में 36 घंटे बाकी थे, लेकिन तेंदुलकर पवेलियन की जगह सीधा नेट्स में चले गए और अगले मैच की तैयारी करने लगे। जब वो घंटे भर बाद वापस पवेलियन में लौटे तब तक टीम इंडिया ये मैच हार चुकी थी। कई साल बाद एक इंटरव्यू में सचिन ने कहा था कि वो ओलंगा के उस सेलिब्रेशन को देखने के बाद रात भर ठीक से सो नहीं पाए थे। जब फाइनल शुरू हुआ तब पवेलियन में सचिन टीम के बाकी खिलाड़ियों से दूर बैठे रहे। जब मास्टर ब्लास्टर मैदान में उतरे तो पहली बॉल ही बाउंसर थी, जिसे सचिन ने बिना देर किए सीमा रेखा के पार भेज दिया। इस फाइनल मैच में मास्टर ब्लास्टर का बल्ला जबरदस्त एग्रेशन में दिख रहा था। वहीं तेंदुलकर के खेले एक शॉट पर जब दादा ने रन लेने से मना कर दिया तो मास्टर ब्लास्टर ने उन्हें भी नहीं बख्शा, घूर कर देखने लगे, जिसे देखकर सौरभ गांगुली भी हैरान रह गए थे। सचिन ने इस फाइनल मैच में 60 बॉल खेलकर 124 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के शामिल थे। वहीं उन्होंने अपने अर्धशतक सिर्फ 28 गेंदों में पूरा कर लिया था। बता दें कि इस मैच में पहले खेलते हुए पूरी जिम्बाब्वे की टीम ने 196 रन बनाए थे, जिसे भारत ने बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। इस मैच के बाद ओलंगा ने वो सीखा जो किसी क्रिकेट बुक में नहीं लिखा था। पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए अपने अगले मैच में तेज गेंदबाज ने 5 विकेट लिए और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। इतना ही नहीं, वो इस सीरीज में मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। लेकिन कोका कोला कप के उस लीग मैच के बाद उन्होंने फिर कभी वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया। तो दोस्तों, क्या आपको जिम्बाब्वे का यह तेज गेंदबाज याद है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएं।